नमस्कार सारे पशुपालक साथियों, मैं वीरेंद्र सिंह कन्नी डेयरी फार्म भरतपुर राजस्थान से हमेशा की तरह आपके सामने मुर्रा का नगीना लेकर आया हूं। उससे पहले जो मेरे पशुपालक भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। हाँ जी, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे एक ओल्ड ब्रीड की मुर्रा बफेलो, जो कि पहले जो ओल्ड ब्रीड में पहले जो मुर्रा आती थी, आजकल तो 100 पीस में बिल्कुल छोटे सींग की कन्नी वाली सींग की आती है। पुराने ज़माने में ये ओल्ड ब्रीड की मुर्रा बफेलो आती थी। सींगों की क्वालिटी आप देख सकते हो, बिल्कुल डबल छल्ला माथे के ऊपर, बिल्कुल ढीले शरीर की, हैवी बॉडी वेट, थनों का साइज आप देख सकते हो। अभी आधा खीस खाली कर दिया है। हाँ जी, आधा खीस खाली कर दिया है क्योंकि प्रसूत में ना आए। आधा खीस करने खाली करने के बाद का वीडियो है, बिल्कुल आधा आर्डर हो गया है। बहुत ही बड़े आर्डर की ये मुर्रा भैंस है और अपने चौथे इलेक्ट्रेशन में है। थर्ड इलेक्ट्रेशन में इसने 15 लीटर दूध दिया है। इस बार 15 या उससे अच्छी डाइट मिली तो ज़्यादा भी दूध देगी, लेकिन 15 तो आराम से देगी। कोई पशुपालक भाई कितनी भी अच्छी डाइट दे, 15 तो आराम से देगी। सींगों की बनावट आप देख सकते हो, बिल्कुल माथे के ऊपर सीम और बिल्कुल पतली चमड़ी, और बिल्कुल पतली पूंछ, बिल्कुल सॉफ्ट, जो एक मुर्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताती है। चौड़े पीठ पुट्ठे और एक बेहतरीन पशुपालक को के लिए आने वाले समय में अच्छी मुर्रा कि ब्रीड तैयार करने के लिए उसके नीचे एक फीमेल काफ भी है, जिससे कि आने वाली ब्रीड जो पुरानी ब्रीड है वो बच सके। देखिए, ये इसकी फीमेल काफ है, अभी बच्चे को जन्म दिया है सुबह मॉर्निंग में। आधा खीस खाली कर दिया है, जेर वगैरह डाल के फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल पतली चमड़ी की, पीठ पुट्ठी की चौड़ाई आप देख सकते हो, अभी बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल पतली पूँछ। अडर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आगे से लेकर पीछे तक आता हुआ अडर, एक बिग अडर की मुर्रा फैलो आपको सिर्फ दिखाने के लिए डाली है, क्योंकि आते ही सोल्ड हो गई थी। ये सोल्ड हुई है 1,12,000 रुपये। मुर्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाने के लिए वीडियो डाली है, क्योंकि आते ही झोटी सोल्ड हो गई थी। भैंस आते ही तुरंत हमारे फार्म पर सोल्ड आ गई थी। सभी पशुपालक भाइयों को दिखाने के लिए कि पुराने समय में मुर्रा कैसी आती थी। चौथी इलेक्ट्रेशन में बहुत ही अच्छी, जो भाई ले गए हैं नोकल में ही, ये पशुधन गया है हमारा हमारे भरतपुर नोकल में ही। तो वीडियो देखने के लिए सारे पशुपालक भाइयों का दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।